जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। वहीं नंदीग्राम के महासंग्राम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ममता सुबिंदुवारी अधिकारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में शख्सियतों की जंग भी है और अधिकारी परिवार और ममता बनर्जी आमने सामने दिख रहे हैं। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। वहीं अगली बड़ी खबर जो कि बंगाल से सामने आ रही है, दोस्तों ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पर भड़की हैं। उनका कहना है कि मतदान के दिन रैली क्यों करते हैं पीएम मोदी, क्या आप हमें बता सकते हैं, और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। नंदीग्राम के महासंग्राम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं ममता सुबिंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए सियासी घमासान जोरों पर है। आज यहां दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है और इसी चरण में बंगाल की चार जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बंगाल में टीएमसी के सख्त दांव पर लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। यह नहीं, दूसरे चरण में शुभेंदु अधिकारी की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके गढ़ में जो चुनाव हो रहा है, यानी दोस्तों नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। वहीं दोस्तों दूसरे चरण में बंगाल के चार जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 9 सीट पूर्व मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुरा की 8 सीटें और पश्चिम मेदिनीपुर की 9 सीटें हैं और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पिछले चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार का समीकरण काफी बदला हुआ है। बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें लगी रही हैं। वहीं दोस्तों मतुआ समूह का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। बंगाल में वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 271 सीटें, कांग्रेस ने 44 और लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। वहीं दोस्तों दूसरे चरण में 1 अप्रैल को सोनामुखी, पत्थर प्रतिमा, काकद्वीप, सागर, गोसावा, तामलुक, पंचपुरा और पंचपुरा, नंद कुमार, महिसल, हल्दिया, नंदीग्राम, चांदपुर, खड़गपुर सदर, नागरायण पश्चिम, सम्मिंग पश्चिम बंगाल, बिंगला पश्चिम, देवरा पश्चिम, दासपुर, वहीं दोस्तों घाटिल पक्षी जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण में 5 जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसमें 69.69% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद 1 अप्रैल और 6 अप्रैल और 10 अप्रैल और 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। दोस्तों वहीं बड़ी खबर हम आपको बता दें, दूसरे चरण में शख्सियतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी परिवार और ममता बनर्जी आमने सामने दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग हो रही है। वहीं दोस्तों आज इस दौरान पूर्व मेदिनीपुर जिले की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी जगह पर अधिकारी परिवार का प्रभाव रहा। वहीं टीएमसी प्रमुख और ममता बनर्जी इस सीट के चुनाव मैदानी में हैं। वहीं दोस्तों ऐसे में दूसरे चरण का यह मतदान ममता बनर्जी और अधिकारी परिवार के लिए साख का मामला बना हुआ है। जहां एक ओर बीजेपी अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं, तो वहीं टीएमसी भी ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। दोस्तों दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 30 विधानसभा सीटों में से सत्तारूढ़ टीएमसी ने 2016 में 22 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने महज 1 सीट जीती थी। यह सीट खड़गपुर सदर थी।
वहीं लेफ्ट ने 5 सीटें जीती थी और कांग्रेस 2 सीट जीत पाई थी। दोस्तों टीएमसी यह अपना प्रथम बरकरार रखना चाहती है, ऐसे में ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। यही वजह है कि जिसने ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता में आने में काफी योगदान दिया था। बीजेपी ने टीएमसी और ममता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और टीएमसी ने अपने प्रमुख नेताओं का साथ खोया है। ऐसे में ममता बनर्जी को इन सबको नजरअंदाज करने की अपील है। इस दूसरे चरण में अधिकारी परिवार बीजेपी का सहारा बना है। वहीं दोस्तों ममता बनर्जी के प्रमुख सिपाही सलाहकार रहे शुभेंदु अधिकारी ने 2016 में नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता था। इस बार वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता ने 2019 में कांती लोकसभा चुनाव जीता था, वह भी बीजेपी के साथ हैं। और उनके भाई दिवेंदु अधिकारी ने 2016 में तामलुक लोकसभा सीट से चुनाव टीएमसी की ओर से जीता है, वह भी आधिकारिक तौर पर सत्तारूढ़ दल के साथ है। और बीजेपी के सौमित्र खान ने 2 साल पहले यानी 2019 में विष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। वहीं दोस्तों बीजेपी ने इन चुनाव में उनकी इस सफलता को अपनी संभावित जीत के मौके में रूप में देख रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन पहले ही यह बड़ी रैली की थी कि ऐसे में बीजेपी जीत के अपनी राह आसान करने के कारक में रूप देखना चाहती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, मतदान के दिन रैली क्यों करते हैं पीएम मोदी, कार्रवाई न करने को लेकर एससी पर यानी इलेक्शन चुनाव आयोग पर भड़की है ममता बनर्जी। उनका साफ साफ कहना है कि जब मतदान होता है पीएम मोदी उसी दिन रैली क्यों करते हैं, इस बात के लेकर उन्होंने इलेक्शन चुनाव आयोग से शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हुई। नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर छिटपुट हिंसा के बीच भारी मतदान देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई न करने को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली क्यों करते हैं। नाराज बनर्जी ने कई शिकायतें दर्ज करने के बावजूद निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा उन पर कार्रवाई न करने को लेकर उसे आड़े हाथों लिया और उस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी है। वहीं दोस्तों शिकायतों में बूथ कब्जाने और बोयल में पड़े पैमाने पर फर्जी मतदान के आरोप भी हैं। नंदीग्राम के बोयल में बूथ नंबर 7 के बाहर बैठी ममता बनर्जी ने कहा कि हम सुबह से 63 शिकायतें दर्ज करा चुके हैं लेकिन एक भी शिकायत कार्रवाई नहीं की गई, इसे हम लेकर अदालत तक जाएंगे और यह अस्वीकार्य है। निर्वाचन चुनाव आयोग अमित शाह के निर्देश के मुताबिक काम कर रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह कई मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाए।